गाजीपुर के सीजेएम कोर्ट ने 19 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। 156(3) के तहत नंदरगंज थाने में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। चंदौली जिले में तैनात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। चंदौली जिले में तैनात कांस्टेबल अनिल सिंह ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत दिया था प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में अनिल सिंह ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर आईपीसी की धारा 219, 220, 342, 364, 389, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध कारित करने का दिया था प्रार्थना पत्र। चंदौली जिले में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर लगाया था अवैध वसूली का आरोप। पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षी तक पर लगाया था अवैध वसूली का आरोप। प्रकरण की जांच तत्कालीन डीआईजी विजिलेंस लव कुमार ने की थी। आरोप के बाद 2021 में अनिल सिंह को कर दिया गया था बर्खास्त। गाजीपुर के नंदरगंज थाना क्षेत्र के बढ़हरा गांव में अनिल सिंह की है ससुराल। 5 सितंबर 2021 को उसकी ससुराल से किया गया था अनिल सिंह का अपहरण। अनिल सिंह की पुत्री ने 112 पर पुलिस को दी थी अपहरण की सूचना। अनिल सिंह ने चंदौली के तत्कालीन एसपी अमित कुमार द्वितीय और तत्कालीन एसओ मुगलसराय शिवानंद मिश्रा समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर लगाया था उसके अपहरण का आरोप। फिलहाल अभी तक मामले में पुलिस ने मुकदमा नहीं किया है दर्ज। मामले पर बोलने को पुलिस अधिकारी तैयार नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुन्नी लाल एडवोकेट, बड़ा बाजार, गाजीपुर। वकील साहब, एक सीजीएम कोर्ट से एक मामला आया है जिसमें जो चंदौली के कुछ सिपाहियों और वहाँ के अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करने का मामला है, क्या किस तरह का आदेश आई है इसमें? चंदौली में पोस्टेड अमित कुमार कांस्टेबल ने एक शिकायत किया था कि चंदौली पुलिस द्वारा 12,05,000 का अवैध वसूली लोगों से की जा रही है और उसका एक विवरण सहित शिकायती प्रार्थना पत्र ऊपर भेजा था, लेकिन उसकी कोई इंक्वायरी उसकी इंक्वायरी तो हुई और पाया गया कि वहाँ इस प्रकार की गड़बड़ी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस मामले में उसका कहना यह था कि अन्य शिकायतकर्ताओं ने जो शिकायत इनके विरुद्ध किया था उसमें 3-4 लोगों की हत्याएं भी पुलिस पार्टी द्वारा ही की जा चुकी है। तो इसमें इसके बाद फिर सुनने में आया कि इनका अपहरण करने का कुछ मामला आया था। हाँ, ये अपनी रिश्तेदारी में बड़ारा थाना नंदगंज क्षेत्र में गाजीपुर आया था और वहाँ रिश्तेदारी में कुछ अज्ञात पुलिस वर्दी सादी वर्दी में जो सफेद चार पहिया वाहन से आए और इसको उठा ले गए। उसके बाद फिर क्या ये लोग अपहरण करता था या पुलिस वाले लोग थे? उसने शिकायत लड़की खुशबू ने 112 नंबर पर किया कि पुलिस वाले ही शादी वर्दी में आए थे और हमारे पिता को उठा कर ले गए। इस संबंध में थाना नंदगंज में भी उसने सूचना दिया था। 3 दिन तक गायब किया गया, इनको पता नहीं कहाँ रखा गया। उसके बाद गोबध हत्या के मामले में इनको 7/9/2021 को गिरफ्तारी दिखाकर चालान किया गया। उसके बाद फिर आगे क्या इन्होंने कार्रवाई की? जब वो जमानत पर रिहा हो गया तो पता चला कि उसे निलंबित कर दिया गया है और बाद में उसको सेवा मुक्त भी कर दिए जाने का आदेश पारित हो गया। अब वह माननीय न्यायालय से बहाल भी हो चुका है और बनारस में ड्यूटी भी कर रहा है। इसमें सीजीएम कोर्ट में मतलब क्या किस तरह के आदेश आए हैं? सीजीएम कोर्ट में उसने 156(3) सीआरपीसी के तहत 19 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध, जिसमें पुलिस अधीक्षक पद के भी अधिकारी हैं, स्वायत्त टीम है और सर्विलांस वाली टीम है,
ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध दाखिल किया था जिसमें सीजीएम साहब जो वर्तमान में श्री स्वरूप आनंद जी हैं उन्होंने पत्रावली का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसके द्वारा प्रार्थना पत्र जो दिया गया है वो सही है और FIR दर्ज करने का आदेश थाना नंदगंज गाजीपुर को दिया। ऐसे में आदेश दिए हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए तो क्या लगता है अभी आदेश मुकदमा दर्ज हो गया या फिर उसमें आनाकानी कुछ की जा रही है? आदेश दिनांक 21/9 को किया गया है जिसकी कॉपी 23 को भेजी गई। अब दर्ज किए हैं या नहीं इस संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता।